आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 12 क्लास के अंतर्गत डेंगू के बारे में अध्ययन करेंगे। डेंगू या वायरस से रोग है, इसमें हड्डियों में काफी तेज भयंकर पीड़ा होती है, काफी दर्द होता था, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। समानता या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वाले भागों में ये ज्यादातर होता है। कारण क्या है? डेंगू के कारण क्या है कि मादा एडीज इजिप्टी जो मच्छर होते हैं इन्हीं के काटने से होते हैं। समानता है सुबह और शाम के समयों में व्यक्ति को काटते हैं, परंतु कभी कभी दिन के समय भी काटते हैं, उनके संक्रमण से जो है ये डेंगू होता है। वो वाहक का कार्य करते हैं, बाकी जो वायरस है फ्लेवी वायरस प्रजाति के विषाणु जो है इन मच्छरों में पाए जाते हैं, इन्हीं के संक्रमण से जो है यह डेंगू होता है। और इसकी जो फैमिली है वायरस की फैमिली फ्लेवी बीरडी। यदि इस वायरस की संरचना देखी जाए तो लगभग इसमें 11,000 न्यूक्लियोटाइड बेस जोड़े होते हैं और इसमें तीन प्रकार के प्रोटीन के अणु होते हैं। इन विषाणुओं में जिन्हें सांकेतिक नाम CPRM तथा ई, यही जो है विषाणु के कणों का निर्माण करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो पोषक होते हैं जैसे मनुष्य जिनमें या पाए जाता था उसमें मच्छरों में, इनमें 7 अन्य प्रोटीन होते हैं, सांकेतिक नाम दिया गया है NS5, NS2A, NS2B, NS3, NS4, NS4B, NS5A। सब जो है पोषक में ये प्रोटीन 7 प्रकार की बनती है और इन विषाणुओं में 4 प्रकार के स्ट्रेंस होते हैं जिन्हें सांकेतिक नाम DEMP5, 2nd, 3rd और 4। तो 4 प्रकार के स्ट्रेंस इन विषाणुओं में पाए जाते हैं। इनका उद्गम काल, इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, विषाणु के प्रवेश से लेकर था, जैसे ही मच्छर जो है किसी व्यक्ति को काटते हैं तो प्रवेश से लेकर के जब तक ज्वर प्रकट नहीं होता, तो ज्वर के प्रकट होने तक की अवस्था को उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जाना जाता है। समानता है 4 से 7 दिन का होता है, परंतु कभी कभी जो है 1 से 14 दिन का इनका उद्भवन काल पाया जाता है। लक्षण क्या है डेंगू के? जो लक्षण होते हैं सिम्टम्स, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। एक है रक्त स्राव ज्वर होता है और दूसरा प्रघात सिंड्रोम होता है। रक्त स्राव ज्वर जो है इसके जो लक्षण है पहले साधारण लक्षण ज्वर है, बुखार आना, सिर दर्द होना, भूख न लगना, नाक कान से खून निकलना, जहाँ पर इंजेक्शन लगते हैं वहां से खून का निकलना, खूनी दस्त और रक्त की उल्टी, ये सब जो है रक्त स्राव ज्वर के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, समानता 1 लाख से भी कम हो जाती है, प्लाज्मा रिसाव, ये सब जो है इसके लक्षण। दूसरा जो इसका इसे जो है लक्षण क्या, प्रघात सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारे जो नब्ज है जो नाड़ी से लोग आते हैं वो कमजोर हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठंडी लगती है, बेचैनी होती है, वक्ष और उदर में तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं। ये सब इसके सिम्टम्स हैं, ये 2 भाव मान जाएगा, एक प्रकार स्राव ज्वर और दूसरा प्रकार सिंड्रोम। उपचार ट्रीटमेंट इसी कोई खास विशेष प्रकार की दवाई स्पेशल दवा नहीं बन पाई है अभी तक, फिर भी जो है जैसे ही रोग के लक्षण होते हैं उसी प्रकार की दवाओं का उपयोग जो है किया जाता है, जैसे पैरासिटामॉल है, एसिटामिनोफेन है, कोडिनीन है, जो ज्यादा हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, कोडिनीन का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त माइकोफिनैलिक एसिड और राइबोविरिन, ये सब जो है ऐसे विषाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इसमें पपीते की पत्ती का अर्क और बकरी का दूध, यह भी जो है इसमें लाभप्रद होता है। और इसी के प्रति डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो है
हर प्रतिवर्ष 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय प्रति डेंगू दिवस इंटरनेशनल एंटी डेंगू डे मनाया जाता है और इसके कंट्रोल बचाव है कि इन मच्छरों को के काटने से बचा जा सकता है और सब्जियां लेप किया जाता है या मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए जहाँ पर ये मच्छर पनपते हैं उन स्थान को पनपने से रोकना था वहाँ पर पानी आग की व्यवस्था जैसे गुजर आज पानी न जमा होने दिया जाए तो इस प्रकार है इनके द्वारा बचाव किया जा सकता है। आज के वीडियो में बस इतना है।